नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी आरपीएस कोसली के अंदर मौजूद हैं और जो पूरे आरपीएस ग्रुप की चेयरपर्सन हैं डॉक्टर पवित्रा राव, वो हमारे साथ इस समय पे मौजूद हैं। और आज कोसली आरपीएस के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया गया था और उसी के उपलक्ष्य में जो मैम हैं यहाँ पे पहुँची थी, तो चलिए उनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। थैंक यू अमित। मैम, आप ये बताएं कि आज यहाँ का जो एटमॉस्फेयर देख करके या जो ग्रैंड पेरेंट्स डे यहाँ पे मनाया जा रहा है उसको देख करके पहली फीलिंग क्या आई, क्या लगा आपको? सबसे पहली फीलिंग अमित, मैं बताती हूँ, मुझे लगा कि आज पेरेंट्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और देखिए, दादा दादी पिछले 3 घंटे से बच्चों का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है, बच्चों को कितना अच्छा लगेगा, एक होल लाइफ मेमोरी उनके साथ रहेगी कि जब हम स्कूल में थे और हमारे दादा दादी हमारा प्रोग्राम देखने आए। बिल्कुल, लेकिन एक दादा दादी की जो बॉन्डिंग होती है बच्चे के साथ में, उसको आप कैसे देखती हैं? मैं बिल्कुल इस तरह से देखती हूँ कि जो शिक्षा, पहली शिक्षा दादा दादी से बच्चे ले सकते हैं ना, वो शिक्षा कोई नहीं दे सकता। खुद मेरे परिवार में मैं, क्योंकि पिछले 25 सालों से स्कूल में काम करती रही हूँ, दिन और रात मैंने स्कूल के लिए काम किया है, तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे ने जो कुछ सीखा वो अपने दादा दादी से ही सीखा। जब मैं स्कूल में होती थी, उसको अपना होमवर्क करना होता था या और भी दूसरी चीज़ें, उसको खेलना भी होता था, वो दादी के साथ लूडो खेल लेता था, तो उसके साथ साथ बच्चे बहुत अच्छी कहानियाँ दादा दादी से सुनते हैं। उनमें हमारे भारतीय संस्कारों का जो है बहुत अच्छा ज्ञान दादा दादी से होता है। तो मुझे लगता है हर परिवार में ये होना चाहिए कि कम से कम, आजकल थोड़ा सा युवा इस तरह का हो गया, बाहर नौकरी के लिए भी जाना पड़ रहा है, तो कम से कम रोज दादा दादी के पास ना मिल पाए तो हफ्ते में एक बार उनसे ज़रूर मिलने जाएं और उनके साथ एक दिन स्पेंड भी करें, उनकी अच्छी बातें भी सीखें, उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस से भी बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हम किताबों से नहीं सिखा सकते। बिल्कुल, मैं वही बात आपसे करना चाह रहा था कि आज का जो परिवेश है उसके अंदर शायद इंग्लिश कल्चर का ज़्यादा प्रभाव है, अगर हम देखें इंडिया के अंदर भी, तो इस समय पे या ऐसी सिचुएशन के ऊपर दादा दादी के साथ जो बॉन्डिंग है वो कैसे बनाई जाए, क्योंकि इंग्लिश कल्चर वो है कि जहाँ पे जो शेल्टर होम्स हैं वो खोल दिए गए हैं या वृद्धाश्रम उनको कहें वो खोल दिए गए, उस ऐसे समय के अंदर कैसे एक बॉन्डिंग बनाई जाए और कैसे बच्चों को सिखाया जाए कि वो उनका सम्मान करें। हाँ, देखिए, सबसे जो आज गलत हो रहा है ना बच्चों के साथ, वो हो रहा है मोबाइल के साथ, क्योंकि अगर पेरेंट्स वर्किंग है, और अगर वर्किंग भी नहीं है, लाइक अगर मदर वर्किंग नहीं है, घर पे भी है, तो वो तो सीरियल देखेगी, कभी सास भी कभी बहू थी, और चाहती है बच्चे फिर मोबाइल यूज़ ना करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक मोबाइल एक बीमारी की तरह हमारे घरों में घुस गई है, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो इस जो आज ये जो हमारा समय है, इस समय में दादा दादी का एक बहुत अहम रोल हो जाता है कि बच्चे के साथ वो रहें, थोड़ा क्वालिटी टाइम जो है बच्चों के साथ बिताएं, जिसमें वो अपने जीवन की कुछ बातें बताएं कि कैसे उन्होंने जीवन जिया। उनके टाइम में देखिए ऑर्गेनिक फूड मिलता था, उनके टाइम में खेल भी बहुत अलग तरह के होते थे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत होती थी, तो वो सब बच्चे जब उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो बहुत अच्छी बातें सीखेंगे। तो एक तो मोबाइल से थोड़ा दूर हट जाएंगे, और दूसरा मैं समझती हूँ कि वो कहानियों के माध्यम से आपको जीवन के जो है नैतिक मूल्य जो है वो हमें सिखा सकते हैं बच्चों को। तो एक दूसरा तरीका ये भी है कि जो दादा दादी होते हैं वो शायद अपने पोते के अंदर अपना जीवन, अपना बचपन देख रहे होते हैं। ये तो है कि हमारे यहाँ एक कहावत जो सब सुनते हैं कि मूल से प्यारा ब्याज कहते हैं, पोता पोती में जो है वो अपना अक्ष देखते हैं दादा दादी। और मैं तो यही कहूँगी कि हमें अगर भारतीय संस्कारों को, भारतीय त्योहारों को और भारतीय परंपराओं को जिंदा रखना है, तो वो उसके लिए परिवार एक सबसे अच्छा माध्यम है। और परिवार में जब बड़े होंगे, क्योंकि आज जो युवा, उसने भी कल को बुजुर्ग बनना है, और वो सबसे बड़े रोल मॉडल हैं, तो जो वो अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे वही बच्चे उनके साथ दोहराएंगे, क्योंकि बच्चे भाषण से नहीं सीखते, बच्चे वो देखते हैं, वो करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। मैंने पूरा जीवन अपने ग्रैंड लाइक फादर लॉ की और मदर लॉ का सेवा किया, तो मैंने महसूस भी किया कि खुद मेरा बेटा जो है, मुझे लगता है उसमें बहुत अच्छे संस्कार है, मतलब ये मेरे जरूरत कम पड़ी। यस, क्योंकि मैं पूरा टाइम स्कूल में रहती थी, तो शायद वो सब उसने अपने दादा दादी से सीखा। बिल्कुल, तो जो आपके यहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं उनको क्या कहेंगे, आखिरी सीख की अगर बात करें तो अपने बच्चों को क्या सिखाएं?
हाँ, मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि बच्चों के हाथों में किताबें ज़रूर दें, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो भी साथ में पढ़े, बेशक आधा घंटा एक कोई भी किताब ले ले, एक अच्छा न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़े। आज बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बच्चे को पता नहीं है मोबाइल को यूज़ कैसे करना है, उससे अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं। आज हम एक ऑक्सफोर्ड के टीचर से कोई भी चैप्टर, कोई भी लेसन सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल से। लेकिन हो रहा है उल्टा, बच्चा मोबाइल में वो लेक्चर ना सुन के वो चीज़ें देख रहा है जो नहीं देखनी चाहिए। तो पेरेंट्स और घर में जो भी बड़े हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को उनके साथ बैठे, खुद भी न्यूज़पेपर पढ़े कोई भी अच्छा हिंदी इंग्लिश का, जिससे उनकी वोकेबलरी भी इन्हांस होगी, जिससे उनका ज्ञान, सामान्य ज्ञान भी उनका बढ़ेगा। और किताबें ज़रूर बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ने के लिए वो खुद पढ़ सकते हैं। जैसे मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो मेरा बेटा भी बहुत किताबें पढ़ता है, तो शायद मुझसे ही सीखा है उसने। जब हम घर में वो माहौल बना देते हैं तो बच्चे ज़रूर सीखते हैं, कहने से बच्चे कभी नहीं सीखते, वो देख कर। उसने अपने दादाजी को भी देखा है बहुत, मेरे फादर लोग बहुत बुक्स पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे। बिल्कुल, लेकिन आपकी जो ये ब्रांच है RPS की कोसली वाली, ये लगातार ये भी बुलंदियाँ छू रही हैं। आपको पता भी लगता होगा समय समय पे जब रिजल्ट आते हैं तो उस टाइम पे भी बोलता है जो रिजल्ट है वो, तो आप इस ब्रांच को कहाँ देख रहे हैं? हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ग्रैंड पेरेंट्स का ये प्रोग्राम देख भी रही थी, तो मैंने अपनी स्पीच में भी ये बात कही कि हम कोसली को जानते थे। मैं मेरे आदरणीय ससुर जी से सुनती थी हमेशा कि कोसली को जाना जाता है कि यहाँ बहुत महान सैनिक हुए हैं। लेकिन जब आज यहाँ श्री भगवान जी मुझे बता रहे थे कि यहाँ से 23 IIT में, वो भी IIT रुड़की, IIT अच्छी IIT दिल्ली में बच्चों का एडमिशन हुआ है, डॉक्टर्स यहाँ से निकल रहे हैं, CAs निकल रहे हैं, आर्ट में, कल्चर में, म्यूज़िक में हमारे कोसली के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं RPS कोसली को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपने उस परम्परा को आगे बढ़ाया है कि यहाँ हर क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं। जी, तो श्री भगवान जी को कोई सीख देंगी या फिर कोई सलाह या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको तो खैर क्या सलाह दूंगी मैं, तो सलाह तो नहीं। हाँ, बस मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूर काम करें। स्कूल में अच्छे टीचर्स जो है, जिनको टीचर्स की टाइम टू टाइम, टीचर्स नो डाउट उनके यहाँ बहुत अच्छे हैं, तभी रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग पे थोड़ा काम करें, और पेरेंट्स, टीचर और बच्चे मिलकर के जो है क्षेत्र को और देश को आगे लेके जाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। मैम, अपने प्रीशियस टाइम में से आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। तो मैम ने जो सारी बातें बताई हैं वो आपको पता लग ही गई होंगी कि एक जो ग्रैंड पेरेंट होता है उसके बीच में और उसके पोता पोती के बीच में क्या और कैसा संबंध होना चाहिए, और जो कल्चर लगातार बदलाव की तरफ बढ़ रहा है उसको कैसे एक बॉन्डिंग में बदला जाए, और कैसे क्या कुछ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैम ने बताई है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।